टुडे 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के महेशपुर खेमू गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य कराए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग, क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ करवा दिए? आपका मैंने कुछ प्राथमिक विद्यालय में काम किया है और गांव के सभी रास्ते जितने हैं टोटल करा चुका हूँ। एक दो ही रास्ते हैं जो अभी लाली। लगभग कितने मीटर रास्ता आपने यहाँ करवा दिया? ऐसा तो गिनती में नहीं है, 30 से 40 के बीच खड़े मैंने करा दिए। आवास वगैरह मिले हैं? आवास मिले हैं, तो आवास की कमी है, अभी कुछ आवासों की जरूरत है। ODF हो गया गाँव पूरा? हाँ, ODF हो गया। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई? स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादातर क्या है, जो भी पैसा मद का आता है उससे गांव के विकास में खड़ंजों में ही रास्तों में लगाता हूँ। स्ट्रीट लाइट वगैरह में क्या होता है कि मेरी सोच ही एक अलग टाइप की है। स्ट्रीट लाइट मार्केट से मानो 12,000 की मिली, ज़्यादातर प्रधान क्या करते हैं कि वो सस्ती सी लगवा दी, वो 6 महीने में खराब हो। तो मैंने मेरी सोच ये है कि मैं उस पैसे को बर्बाद न करके अपने विकास कार्य में लगाऊँ। तो यदि गाँव में आपको लगता नहीं है कि पथ प्रकाश की जरूरत है? नहीं, वैसे लगा रखी है, चौराहे पर बल्ब वगैरह लगा रखे हैं। मुझे अगर लगानी है तो लाइट वाली स्ट्रीट लाइट जो होती है ऊर्जा की बजाय वो लगा लूँ, एक दो रास्ते कराने के बाद। सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ गांव में मिला है सभी? बिल्कुल पूरा मिला है, और ज़्यादातर 90-95% लोगों के कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा, उसकी समस्या है अभी, क्योंकि 40-45% लोगों को किसान सम्मान योजना का पैसा आया और बाकी अभी ऐसी रुका। यहाँ स्कूल पर भी आपने कुछ कार्य करवाए होंगे? हाँ, स्कूल पर शौचालय वगैरह की मरम्मत, जो स्कूल का मैदान था उसमें मिट्टी का कार्य कराया है। शिक्षा का स्तर कैसा है, क्या आप जाकर वहाँ? जी, मैं हर 30 से 14 दिन शिक्षक समय पर सब आते हैं? सब आते हैं। खाना वगैरह सब कुछ मिलता है? खाना सप्ते में 2 बार में जाके चेक करता हूँ। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में से स्कूल के अलावा बारात घर है? बारात घर नहीं है, उसकी पंचायत घर है। पंचायत घर है यहाँ पे है। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है। शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट, घाट और कब्रिस्तान यहाँ पे है। बाउंड्री वॉल सब हो रखी? बाउंड्री वॉल नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र तो बने हुए हैं, और तीसरे की मांग है। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने गांव के जो मेरे गांव के जल भराव की निकासी होती है, एक नाले की मांग करता हूँ, जो सारे गाँव का पानी गाँव से दक्षिण साइड जल भराव की समस्या है इस गाँव में। हाँ, कहीं कहीं होती है, तो नाला निर्माण आप यहाँ कराना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ बारात घर के लिए भी आप? बारात घर के लिए, हाँ, बारात घर के लिए मैंने पीछे भी बोला था कई बार, मैं एक बार लखनऊ गया था वहाँ मैंने रखा, तो कुछ ज़मीन मैंने देख रखी है अपनी ग्राम समाज की, उसमें मैंने, लेकिन बारात घर आ जाए तो मैं उसमें। और कोई समस्या यहाँ ऐसी है जिसका समाधान आप चाहेंगे कि पहले हो? ज़्यादातर तो मैं करा ही चुका, विकास कार्य जितने भी हैं मैंने करा ही दिए, और हैंडपम्पों की जरूरत है। क्या यहाँ सांसद या विधायक कभी आते हैं, कभी जाते हैं आकर यहाँ की? पिछली सांसद निधि में सांसद जी कई बार आए, उनके प्रोग्राम भी हुए, और चुनाव टाइम में सब आते हैं, लेकिन वो बीच में भी आए और उन्होंने विकास कार्य कराया थोड़ा। जैसा कि आपने देखा, हमने प्रधान जी से यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे कि सड़क निर्माण, CC कार्य, शौचालय से भी गाँव ये पूरी तरह से ODF हो गया है, आवास भी यहाँ बनवाए गए हैं, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट की भी सुविधा अपने स्तर पर इन्होंने यहाँ दे रखी है। यहाँ की समस्याओं के बारे में हमने जाना है, इनका कहना है कि यहाँ पर बारात घर की सबसे मुख्य आवश्यकता है, और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ नजर आती है वो जल भराव की है। यहाँ पर एक नाले निर्माण की प्रधान मांग रखते हैं कि गांव में नाला निर्माण होना चाहिए, ताकि जल भराव की समस्या से गाँव वाले इस परेशानी से मुक्ति पा सकें। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।